without you. आशीष नाम है एलीट गेमर ये अपना देसी नूब का ये दीपांशु इसके ये धूप में चश्मे काले हो जाते हैं नया नया फैशन है ये ठीक है पता नहीं क्या थोड़ा सा दिलवा देगा लेकिन ये रहने ये अपना गिफ्ट का भाई कोई घर आता है जो तुम्हें बेवकूफ बनाता है वो है ये और आज हम आ रखे इंडियन इंडिया गेमिंग शो पे गेममेट के साथ आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए हो गए उनके उनकी प्रॉब्लम हो गई कुछ वही जैसे थे ये बताएंगे रंदे नानी तुम्हारे वा मो सिंदे इरु अभी इंडिया में अभी अभी अभी, अभी डीजे अंदर गया है डायनामिक जेट और कौन कौन है आर को तो हम वीडियो बना रहे हैं ये अंकित भाई के लिए लियोन भाई के लिए गेममेट के लिए सारे देसी नूब के लिए निंजा के लिए सबके नाम ले लेते भाई सारे देसी नूब लास्ट प्रिंस है मेहता जी और कौन है भाई नाम बता दे यार सारे मैं ही बता लास्ट प्रिंस है देसी वंडा है सबके नाम बहुत बहुत ज्यादा यार तुम लोग ज्वाइन करो यार हमारा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है बहुत आगे जाएंगे आज कॉस्मिक कहाँ कॉस्मिक नहीं आ पाया कॉस्मिक आने का बहुत मन था चलो जो भी है हाँ वहाँ पे क्या है अच्छा यहाँ पे वीडियो भी यहाँ वीडियो और यहाँ फोटो की थी जा रही है अभी चलो नाइस ये चलो वो हमें इस वाले गेट में घुसना है कि इस वाले में घुसेंगे क्योंकि यहाँ बैटलफील्ड 1 का लगा हुआ है पोस्टर लॉन्डिया की फोटो है पता नहीं कौन हॉल नंबर 11 में यही लाट नाचे की अभी ये हमारा है ना जानने की जरूरत नहीं तुम्हें और काफी शानदार है यहाँ पे देख सकते हो आप यार तुम लोग मैं कौन हूँ मैं राहुल बीच यार मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैं आया हूँ गेममेट के बिहाफ पे गेममेट की जगह ले रहा हूँ यहाँ पे उसके लिए कर रहा हूँ ये सब कवर तो ये सारे यहाँ पे पार्टनर्स हैं यहाँ पे काफी स्टॉल लगे ये देख लो पहचान सकते हो तो पहचान लो ये वाला स्टॉल किसका होगा एचपी ओमन का है डोम बना रखा काफी अच्छा दिख रहा है ये सारे थकेले पीछे आ रहे हैं यार तुम सोच रहे हो मोबाइल से कैमरा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बेटा यहाँ बैठ के देख मैं अपना गेम मेट प्यारा आ रहा भूल गया है अपना कैमरा लाना इसीलिए चलो मैं और आपको घूम के दिखाता हूँ ठीक है हम ओमेन में एचपी ओमेन के काउंटर पे यहाँ पे ओमेन डोम बनाया गया है देख सकते हो काफी भीड़ लगी है यहाँ पे दो लैपटॉप डिस्प्ले भी लगाए गए डिस्प्ले वाले लैपटॉप के लिए भी काफी भीड़ है डिस्प्ले वाले लैपटॉप के लिए भी काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे अभी पबजी मोबाइल का एमुलेटर चल रहा था जो कि वापस ऑन होगा डाउनलोड चल रही है पता नहीं इंटरनेट है भी नहीं इनके पास आ जाओ यार तुम तो पता नहीं अलग ही घूम रहे हो काफी भीड़ देख सकते हो ओमेन डोम के अंदर जाके देखो एक ही करके भेज रहे हैं काफी टाइम लगेगा तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट हम अभी है हाइपर एक्स के काउंटर नहीं इनका स्टॉल है इनका बूथ लगा हुआ है हाइपर एक्स काफी बड़ा है आप देख सकते हो इनके सामने खड़े हैं हम और यहाँ पे ये अपने वेयर ऑल गेमर्स करके लगा रखा है देख सकते हो काफी शानदार रेड और ब्लैक टीम आओ यार तुम लोग भी आओ यहाँ पे ये अपने डिस्प्ले में सेल पे लगा रखी है इन लोगों ने सनी पारी से मिलने जा रहे हैं
पिज़्ज़ा टाइम। सनी बाजी देखो अंदर बैठे हुए हैं, बिजी आदमी, बात कर ले भाई। चलो भाई यहाँ पे गेम खेल रहे हैं लोग, काफी शानदार पीसी जोटैक का। देख सकते हो 1v1 चल रहा है। दीपांशु खेलना चाहेगा भाई, तुम तो पूरा टाइम ले रहे हो यार। चलो हो गया, बेइज्जती बहुत करा रहे तू। दीपांशु खेलना चाहेगा, देख सकते हो आप गीगाबाइट और इसका काफी शानदार। मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ, ये आ रहे हैं पीछे। एक जादू दिखाओ, जादू यहाँ पे आप। लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है ना फोटोग्राफर है, यहाँ दोनों है। पिज़्ज़ा टाइम। काफी शानदार पीसीज रखे हुए, काफी भीड़ है यहाँ पे। रुक जाओ, मैं अभी मस्ता काट के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे CSGO ऑन हुई है अभी, यहाँ पे CSGO खेल रहा हूँ। कौन से पीसी पे खेल रहे हैं ये, मैं आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, काफी शानदार पीसी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, और ये बहुत सारे पीसीज रखे हुए हैं। स्कॉर्डन में आपको शेल्फ दिख रहे होंगे, वहां पे सारे कंपोनेंट्स डिस्प्ले के लिए रखी हुई हैं फॉर सेलिंग। ये जापान पवेलियन आपको पास से दिखा दें क्या क्या चीज है। छोटे छोटे गुडीज हैं, सुविनियर्स हैं, जापानीज गेम मांगास के ऊपर काफी कुछ है। काफी शानदार रेड वाइट की पैच का बना रखा है। WD वेस्टर्न डिजिटल के ऊपर काउंटर, अभी उसके पीछे खड़े हम पीछे की। ये देखो शानदार कॉस्प्ले, कॉस्प्ले। अभी मैं आपको, अभी मैं एक लौंडा भेजूंगा जो कॉस्प्ले के साथ खड़ा होगा, वो है ये अननोन आदमी। तो ये अभी उसको पास जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। हाँ कट चुका है, किसी और लड़के ने इसे काट दिया है, मुंह में आता नहीं वाला छींकते हुए। और ये चलो आगे चलते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन में लोग गेम खेल रहे हैं। एस्ट्रोबॉट रेसिंग गेम्स VR, जो नहीं आ पाए हो, आज 3 तारीख है ये इवेंट, 2 दिन और चलेगा। यहाँ पे फोटो खींची जा रही है, देख सकते हो। अभी हम हैं सैमसंग बूथ के सामने, और अभी मैं अपना कैमरा नीचे करने जा रहा हूँ, और आपको क्या दिखने वाला है, एक छोटी सी स्क्रीन जो कैमरे में भी नहीं आ रही है। अब देखो इतनी लंबी स्क्रीन है, ये कोई पागल आया था, इसको इग्नोर करिए। हमने सोचा है ये हम गिफ्ट करेंगे लियोन भाई को, अगर वो अपना एड्रेस बता दे तो। It was at this moment that he knew he fucked up. ओके गुड नाइट लियोन भाई। इधर आप देख सकते हो, कभी अतरंगी गेम के भी काफी फैन निकले हैं, लूडो और कैरम, रियल कैरम। इसको लग रहा है यहाँ बेइज्जती हो रही है, कान में आके चिल्ला रहा है, ठीक है। और ये आगे क्रिकेट चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अपने हर घर की चैंपियन मम्मी आगे खेल रही है। हमें
मतलब हमें पता है कि वो मम्मी है क्योंकि बताया उन्होंने। देख सकते हो काफी शानदार यहाँ पे जेट पैक जॉय राइड का यहाँ पे इधर चल रहा है। पढ़ लो यार, आप सारे दिखाने का क्या मतलब, मैक मौका और ये नजारा क्या है, कभी सुना, खेल लेंगे। जेट पैक जॉय राइड की गेम चल रही है। Myself, my name, forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. शानदार गेम प्ले, अपना पूरा पीछे मिला है, अपना पूरा पीछे है। सामने इसको ओपोनेंट दिखा दे, ये जिसके बाल आंख पे आ रहा है वही है लड़की वजह से हेयर कट पगला गया। भाई अपने सारे प्लेयर तो पे कोई तय जोड़ के इसने जोश मिला दे तू अपना बैठो वन टैप बढ़िया बढ़िया चल बस ओ बेटे बेस्टी पे नंबर वन डीपी कैसे डीपी लैंडिंग फ्लोटिंग चल रही पता था मेरे को बेस्टी कराएगा करो तो दिन के लिए क्रशर कैप्टन का लास्ट राउंड बहुत बढ़िया कैप्टन ने आखिरकार अपने नाम का वो रखा है और बेस्टी के साथ टाई लेके आए हैं। अभी हमारे बैठे हैं गेममेट के भाई लीचड़ आदमी, इसको मिला है ये ग्रामबेट जो मेरे को गिफ्ट देगा एक्चुअली मैं रखा व्हाट अगला और भी लगा ये तो रख नाइफ इजी नाइफ ये ना नाइफ
इसको देख कितना खुश है ये। अब हमारे ये जीता है। ओए मैं जीता हूँ, जीता नहीं है। इसका तू ले लियो ना, क्या है ले लियो उसको। मैं आपको चल रहा हूँ भाई, वो नहीं आके वन टैप वन टैप ले ले भाई। कोई अच्छा खेल दो भाई, ये ना भाई लैंग हमें बता दे यार। रैंक नहीं बता रहे ये लोग हमारा। अली रैंक है भाई। ओ बेटे अपने दीपांशु के पिट में पहला अपना दीपांशु टाई करने के लिए उसने। अरे कोई ना बढ़िया खेला, बढ़िया ये था अपोनेंट में ओ भाई जीएनत्री पेल गया। कह रहा मैं डीरैंक हो गया, मैं जीएनत्री था जीएन वन हूँ अभी। नहीं भाई उसको आदत होगी इस वाले में उसकी। दीपांशु को अपोनेंट मिल गया हमें जिसने पेला इसको। मेरा कॉन्फ्लिक्ट होना था भाई, हमारा जीएन वन हो गया, डीरैंक हो गया, ये वाला डीएमजी, ये हमारा डीएमजी एली में बोला था हम एली खेलते हैं। इसके स्ट्रीम देख सकते हो ठीक है, ये डिपन गेमिंग है, ये डिपोस पे नहीं भाई कौन पिक की बात होती है। आप देख रहे हो YouTube पे किसे फॉलो करते हो, कौन से गेमर को फॉलो करते हो भाई? मैं सब करता था, जो दिख जाता है ना उसको फॉलो करता। नहीं वैसे स्ट्रीमर कौन सा ज्यादा फॉलो करता है? गेम मेड को जानते हो? पहले साई को देखता था। अच्छा, और उसको देखता हूँ वो जो कौशिक है ना। हाँ अगर कॉस्मिक वाइटी जानते हो, कॉस्मिक वाइटी करके जो पबजी खेलता है बेस्ती। गेम मेट मैंने क्या बेस्ती रोन मॉर्चू को फॉलो करता। अभी ये इसको जानते नहीं हो, जानने की जरूरत नहीं है। ये अभी जीत के आए हैं अपना लीचड़ गेम, मेरा जीते हैं ये टाई हुआ है, टाई कराया इसने और जीता है ये मैंने हाइपर एक्स का। और ये भी जीत के आया है, ये सामने इसको बॉट मिला था मेरा और मेरा टाई इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा पीछे दिक्कत आ रही थी। तो मतलब जो भी जीते हो अच्छा खेला, कौन से जीता? ये भी अपने कहानी बताना चाहेंगे। अरे कुछ नहीं, मेरा कौन से जीता वो अच्छा खेल रहा था। हाँ वो जीएनत्री था, आप पहली थे मतलब डीएमडी था, मतलब वो होती ना रैंक जिसमें गणपति आती है वो था। तो गणपति बता दिया गणपति, लेकिन गन दे दिया किसी और ने। तो यही थी स्टोरी आज की। ओके गुड नाइट एवरीवन।